सुबह की बची हुई रोटी से आज बनाएंगे एकदम यूनिक और बहुत टेस्टी नाश्ता, जिसे बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा और खाने में इतना टेस्टी है। इस नाश्ते के लिए आप रोटी ज्यादा बनाना चाहेंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये 4 से 5 बची हुई रोटी ली है, साथ ही लेंगे इस तरीके का ग्लास। ध्यान रखें जो ग्लास लें वो एकदम फ्लैट हो नीचे से, इसकी जगह आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं। अब एक चपाती को इसके ऊपर रखेंगे और इसे हम ग्लास की शेप देंगे, तो इस तरीके से चारों तरफ छोटी छोटी प्लेट्स लगा देंगे तो ये चपाती ग्लास की शेप ले लेगी। ये देखिए, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है तो इसमें बहुत आसानी से हम प्लेट्स लगा पाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से करने के बाद अब इसे टाइटली पकड़ लेंगे और एक हाथ से इस पर धागा बांध देंगे और धागे को इस तरीके से बांधें कि ये चपाती जल्दी से निकले नहीं। तो इसे हम 2 बार घुमा देंगे और अब इसमें 2 बार ही हम गांठ लगा देंगे जिससे ये चपाती खुलेगी नहीं, और इसे इतना टाइट भी ना बांधे कि ये चपाती टूट जाए। हमने इसे अच्छे से बांध दिया है, अब ये तैयार है। तो अब आप चाहें तो इसे बेक करें या फिर इसे ऑयल में फ्राई करके क्रिस्पी कर लें। जब हम इसे बेक करें या फ्राई करें तो ये फूले नहीं, इसके लिए हम इसे फोक से प्रिक कर देंगे। तो देखिए, चपाती को चारों तरफ से अच्छे से प्रिक कर दिया है और अब ये तैयार है। इसी तरीके से हम ये 1 गिलास और तैयार कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने ये 4 गिलास बना करके तैयार किए हैं। चाहे तो इन ग्लास को 15 मिनट के लिए पंखे के नीचे रखें जिससे ये चपाती थोड़ी सी ड्राई होंगी और कटोरी की शेप ले लेंगी। फिर आप इन ग्लास को हटा करके डायरेक्ट इन्हें ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें इंस्टेंट बना रहे हैं। गैस पर हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इस ग्लास को डायरेक्ट ही ऑयल में रख देंगे और मीडियम हॉट ऑयल में इस रोटी को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रखें, फिर इसे थोड़ा सा घुमा दें और चपाती को चारों तरफ से अच्छे से घुमाते हुए क्रिस्पी कर लें। और देखिए, इसमें बहुत अच्छा कलर आ चुका है और आप चेक कर सकते हैं कि ये क्रिस्पी हुई या नहीं। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब इस चपाती को ऑयल में से निकाल लें। तो ये देखिए, अब इसमें बहुत अच्छा कलर आ चुका है और ये बहुत क्रिस्पी भी हो गई है। तो इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब इसमें से ग्लास निकाल लें और धागे को कट कर दें। इस तरीके से हम ये दूसरी चपाती को भी फ्राई कर लेंगे और इसे भी ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर ये दोनों ग्लास ठंडे हो चुके हैं, तो अब इस धागे को हम कट कर लेते हैं और ग्लास को निकाल लेंगे। है ना, बहुत ही जल्दी बनने वाला एकदम क्रिस्पी और टेस्टी कप। अब इसमें आप कोई भी टेस्टी से स्टफिंग डालकर इन्हें सर्व कर सकते हैं, और आज हम इन्हें बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने एक बोल में लिया है 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और साथ ही 1 बारीक कटा हुआ प्याज, और अब डाल देंगे इसमें 1/4 कप बॉयल स्वीट कॉर्न। तो ये जो स्टफिंग है ये बच्चे और बड़े सभी को पसंद आती है, तो आप चाहें तो इसे स्टफिंग से इसे बनाएं। अब इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ धनिया, साथ में ही हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। अब इसे और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पर 1 टेबल स्पून टमाटो केचप और 1 टेबल स्पून सेजवान चटनी। सेजवान चटनी घर पर कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसकी जगह आप गार्लिक चटनी या पिज्जा सॉस भी ले सकते हैं। तो ये 2 छोटे चम्मच सॉस हम इन वेजिटेबल में मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेजवान चटनी या गार्लिक चटनी के साथ ये स्टफिंग बहुत टेस्टी बन जाएगी, आप इसे स्किप ना करें। अब यहाँ पर 1 चपाती कप लेंगे और इसके अंदर चारों तरफ अच्छे से थोड़ा सॉस लगा देंगे, और अब इसमें ये प्रोसेस चीज की क्यूब्स डाल देंगे। इसकी जगह आप मोशेला चीज भी ले सकते हैं और पनीर भी ले सकते हैं। अब इसमें हम स्टफिंग रखेंगे, तो जितना आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें स्टफिंग रखें। और बस इसके ऊपर हम ये प्रोसेस चीज स्लाइस रखेंगे और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट सर्व करें, नहीं तो इस चीज़ को मेल्ट कर लें। और चीज़ मेल्ट करने के लिए हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसमें ये 3 चपाती कप रखेंगे, कढ़ाई को अच्छे से कवर कर दें और 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर चीज़ को मेल्ट होने दें। और ये देखिए, तैयार है एकदम टेस्टी और क्रिस्पी पिज्ज़ा कप, जिसे हमने बनाया है लेफ्ट ओवर चपाती के साथ। बहुत ही यम्मी लगता है फ्रेंड्स, एक बार जरूर से बनाकर देखिएगा। और आपकी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें। और ये सुनिए इसकी आवाज़ कितना क्रिस्पी बना है। आप भी इसे बनाइएगा जरूर और अपने कमेंट्स में से शेयर कीजिएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।